शांति शांति अनिर्वाच्य विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायत इति वियद निलते जो बबनय यतश्चाभूद् विश्वम् चरम चरमोचवचमिदम् नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम् ॐ शांति 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 महादेव। ये जो कहा मोक्ष जो है चतुर्थ सूत्र में तब तो समन्वयात हुआ नहीं, लगातार पाठ चलने से ठीक होता है। बीच में गैप हो जाता है। तो तत्व समन्वयात में सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय किसमें होता है? ब्रह्म में होता है नहीं। उस ब्रह्म का ज्ञान कितने प्रकार का है? ज्ञान तो एक ही प्रकार का होगा नहीं, तो उसका फल भी एक प्रकार का है, फल भी एक प्रकार का। और कर्म उपासना से जो फल मिलता है वो एक प्रकार का नहीं होता है नहीं। तो फल में क्या होता है? तारतम्य होता है। फल में तारतम्य हो तो साधन में भी तारतम्य होगा, और साधन में तारतम्य हो तो अधिकारी में भी तारतम्य होता है नहीं। लेकिन ये ज्ञान से होने वाला जो फल है उसमें तारतम्य नहीं होता है, ठीक है ना? क्योंकि मोक्ष जो है ना, परमानंद स्वरूप, वो तो ब्रह्म का स्वरूप है। और ब्रह्म का स्वरूप कितने प्रकार का है? एक ही। पारमार्थिक स्वरूप तो एक ही प्रकार का है ना। परमानंद उनका स्वरूप है और दुख की निवृत्ति उसका स्वरूप है वो। ऐसा समझ में ना। हाँ, मन में जो सुख दुख होता है तो वो तो निमित्त से होता है, समझ में नहीं आया? मन को शांत करने के लिए कुछ निमित्त चाहिए, और आत्मा को शांत करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा को शांत के लिए कुछ नहीं चाहिए, आत्मा तो नित्य शांत है, आया कि नहीं समझ में? तो है ना, इले प्रपंच उपशमम कहा ना मांडुके में, क्या कहा? प्रपंच, प्रपंच का उपशम उसमें स्वाभाविक है नहीं। जैसे सुसुप्ति में जाते हैं तो सबका सुख किसका कम किसका ज्यादा है? चाहे भंडारा खाकर सो जाओ, चाहे सूखी रोटी खाकर सो जाओ, हैं? वो सबका स्वरूप परम ब्रह्म सता सौम्य सती संपद्य न विदु तथा सता संपद्या मय नहीं, परमात्मा से एक हो जाता है। इसलिए सुख एक प्रकार का होता है, ज्ञान से होने वाला सुख नहीं। अच्छा, इसलिए क्या हुआ है? मोक्ष जो है वो नित्य है, और अनुष्ठेय जो कर्म उपासना है उसके फल से ये विलक्षण हो गया नहीं। और ये जो नित्य कहा इसके ऊपर विचार हुआ, क्योंकि कुछ सांख्यादि लोग दो प्रकार नित्य मानते हैं, एक परिणामी नित्य और एक कुटस्थ नित्य। प्रकृति है ये परिणामी नित्य मानते हैं लोग प्रकृति को नहीं, और पुरुष जो है आत्मा वो कैसा है? कुटस्थ नित्य, कुटस्थ होकर के वो नित्य है, और ये जो है प्रकृति परिणामी होकर के नित्य। इसके ऊपर यहाँ पर विचार है ना। हाँ, तो वो लोग क्या मानते हैं? कार्य और कारण में है ना,
भेद भी नहीं है अभेद भी नहीं, ऐसा मानते, तादात्म्य मानते हैं वो लोग, इसी का नाम तादात्म्य है ना। भेद भी नहीं कर सकते अभेद है ना, क्वचित भेद सहिष्णु अभेद, ये है भेद रहते हुए थोड़ा अभेद भी है, वो सिद्ध करता है ये पूर्व पक्षी, समझ में है ना। हाँ देखो यहाँ पर कह दिया भामति में जो थी 137 नंबर पृष्ठ में थी, आधार आदेय भावे एकाश्रयत्वे वा न समानाधिकरण्यम नहीं भवति कुंडम बदरम। देखो जो सुवर्ण से जो कुंडल बनता है नहीं, उसमें क्या हो रहा है, समानाधिकरण प्रयोग हो रहा है, कुंडलम सुवर्णम, ये कुंडल क्या है, सुवर्ण है हाँ। तो जिसको कुंडल शब्द से बोल रहे हो उसको सुवर्ण शब्द से बोलते हैं, कहते कि नहीं, दोनों में क्या हो रहा है, समानाधिकरण हो रहा है, बराबर है हाँ। यहाँ पर आधार आदेय भाव है क्या है, नहीं है, आधार आदेय भाव नहीं है, है कि नहीं। जहाँ पर आधार आदेय भाव होता है ठीक है भाई ना, वहाँ पर क्या है, सामानाधिकरण प्रयोग नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, जैसे घटह मृत है ना, घटह मृत तो कौन आधार है, मिट्टी, घट हो गया आधार, यहाँ पर होने पर भी सर्वत्र नहीं होता है, सुनते हैं ना, कहीं कहीं आधार आदेय भाव में सामानाधिकरण प्रयोग होने पर भी ये सार्वत्रिक नियम नहीं है, समझ में ना। जैसे मृत्यु का आधार है और घट हो गया आधेय, यहाँ पर तो हो रहा है सामानाधिकरण प्रयोग हुआ, कैसे, घट मृत्यु का मृत एव, घट मिट्टी है, हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन कुंडम बदरम ऐसा होता है, कुंड मतलब कुंड, अरे कुंड के पास में वो बेर का वृक्ष है, बेर गिर गया तो आधार हो गया कुंड, आधार हो गया फल, दोनों में समानाधिकरण प्रयोग नहीं होता है, आ गया। अच्छा दूसरा क्या बोल दिया, दूसरा एकाश्रयत्व, दो वस्तु एक आश्रय में हो, एकाश्रयत्व व न समानाधिकरण्यम, दो वस्तु एक आधार में हो हाँ, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं होता है ना, कैसे बताओ कैसे, जैसे वस्त्र में एक रूप है, वस्त्र में कितने रूप है, एक रूप, रूप हो गया वस्त्र का आधार, रूपों का आधार वस्त्र, और उसी वस्त्र में संख्या कितने हैं, कितने रूप है, एक है, एकत्र संख्या रूप एक आश्रम है कि नहीं, दोनों एकाश्रित होने पर भी यहाँ पर तो समानाधिकरण प्रयोग होता है, एकम रूपम दो रूपे होता है, लेकिन सर्वत्र ऐसा नहीं होता है, सर्वत्र ऐसा नहीं होता है, समझ में कि नहीं हाँ। जैसे एक आसन पर गुरु भी बैठा है, चला भी बैठा है, ये गुरु चला है बोलते हैं कैसे हाँ नहीं बोलते ना, मान लीजिए एक आसन पर बैठे हैं पति पत्नी, मान लो यज्ञ में बैठे हैं ना, बैठे हैं तो एक आश्रम है कि नहीं, पति पत्नी दोनों एक है, यदि एक है तो फिर पति रोको, पत्नी को क्यों बुलाते हो, पति को ना कोई पत्नी बोलता है ना पत्नी को पति बोलता है कि नहीं, तो दोनों में समानाधिकरण प्रयोग होता है, पति ही पत्नी अथवा पत्नी पति ही कि नहीं, वो तो संबंधी है उसके हैं, पत्युर्नो यज्ञ संबंधी स्त्री, पत्नी किसको बोलते हैं हाँ, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे है ना, ये उसमें पाणिनि सूत्र है, महर्षि पाणिनि का सूत्र है ना, पत्युर यज्ञ संबंधी स्त्री, पत्नी शब्द का विग्रह क्या होगा, पत्युर यज्ञ संबंधी स्त्री इति पत्नी, पति से जो यज्ञ होता है उसका संबंधी कौन है, स्त्री हो गया, उसको बोलते हैं पत्नी, समझ में आया। तो पति को जो फल मिलेगा
हाँ यज्ञ करता है तो पत्नी को कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? हाँ बराबर मिलता है। ठीक है चलो ये हो गया। इसे नापि, देखो लिख दिया आगे, एकासनस्तयोर चैत्र मैत्रो चैत्रो मैत्र वाह, लग गया 133 में। एक आसन पर चैत्र भी बैठा है और मैत्र भी बैठा है, बैठा है ना। चैत्र को कोई मित्र नहीं बोलता है, हो गया ना भाई। हाँ सोयम अबाधितो असंदिग्ध सर्वजनिन सामानाधिकरण्य प्रत्यय एव कार्यकरणयोर भेदा भेदो व्यवस्थापयति। भाई साउंड जा रहा है ना आप लोगों को? हाँ देखो इसलिए क्या हुआ, सिद्धांत तो समझ लो भैया, सांख्य है योग है मीमांसक है, ठीक है। हाँ ये लोग द्वैतवादी है ना, ये लोग क्या मानते हैं, कार्य कारण में तादात्म्य मानते हैं। क्या मानते हैं? तादात्म्य मतलब क्या हो गया, भेदा भेदो, भेद भी है और अभेद भी है। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांत नहीं, सिद्धांत वेदांत नहीं मानते है। कार्य तो मिथ्या होता है, कार्य क्या मानता है, मिथ्या मानता है, ठीक है। मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारम्भम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, ये सिद्धांत है अद्वैत वेदांत का, कार्य क्या है मिथ्या, ठीक है। चलो ये पूर्व पक्ष कह रहा है कार्य कारण में ये मिथ्या नहीं मानते हैं लोग, कार्य भी सत्य है कारण भी सत्य है पूर्व पक्ष ये लोग। अरे भाई जगत में मिथ्यात्व बुद्धि का निश्चय करना सरल है, कार्य में मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती जल्दी, बहुत कठिन है मिथ्यात्व बुद्धि। जिसको मिथ्यात्व बुद्धि हो गई कार्य में उसको आत्म साक्षात्कार करने में विलंब नहीं होता है, थोड़ा सा प्रयत्न करेगा तो उनको ज्ञान हो जाता है कि नहीं। चलो इसलिए कह रहा है पूर्व पक्षी सोयम अबाधित, जहाँ पर कोई बाध नहीं होता है अभी, जहाँ पर कोई संदेह भी नहीं होता है, ठीक है। सर्वजनिना मतलब सभी लोगों में जो सिद्ध है, क्या सिद्ध हो रहा है, सामानाधिकरण्य प्रत्यय, सामानाधिकरण्य का जो ज्ञान हो रहा है, घट मृत, घट मिट्टी है, कुंडल सुवर्ण है, माला सुवर्ण है, ठीक है भाई। ये जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान ही व्यवस्थापन करेगा है ना, सिद्ध करेगा, क्या सिद्ध करेगा, कार्य कारणयोर भेदा भेदो, कार्य कारण में क्या होता है भेद, भेदा भेदो विभक्ति क्या है, नहीं द्वितीय द्विवचन, भेदा और अभेद को है ना, भेदा भेद को व्यवस्थापन करता है, व्यवस्थापयति कह, हाँ सामानाधिकरण्य प्रत्यय। और ये जो सामानाधिकरण्य ज्ञान प्रत्यय वाला ज्ञान, ये सभी लोगों में सिद्ध है कि नहीं, ज्ञान सबको हो रहा है कि नहीं। घट को क्या बोलते हैं लोग, मिट्टी बोलेंगे पत्थर बोलेंगे, घट जो बन जाता है मिट्टी से क्या बोलते हैं, घट को मिट्टी बोलेंगे पत्थर बोलेंगे, मिट्टी तो बोलेंगे। हाँ कुंडल को सुवर्ण लोग बोलते हैं, इसलिए सर्वजैन सभी लोगों में सिद्ध। सर्वजैन मतलब क्या हुआ, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, ये कहने का मतलब सामान्य है ना, ये सर्वजनस है ना। और कौन सा ज्ञान, ये बाधित नहीं हो रहा है, अबाधित ज्ञान हो रहा है। हाँ पहले से भी घट मिट्टी ऐसा है और बाद में भी क्या सिद्ध होता है, घट में मृत्तिकात्व ये बाध नहीं होता है इसका, अबाधित है ये नहीं। और बाधित कहाँ पर हो जाता है, जैसे देखो क्या बोलते हैं कि जो है जैसे रज्जू का आप सर्प समझ रहे थे, यह सर्प क्या कह रहे थे आप, यह सर्प नहीं, तो वहां पर जाएगा तो सर्प का बात होगी तो बाधित ज्ञान हो गए। सर्प अयम, अयम और सर्प दोनों में सामानाधिकरण तो है, जिसको यह बोल रहे हैं उसी को सर्प कह रहे हो, लेकिन जाएंगे तो क्या बाधित हो गए,
सर्प का बाद हो गया केंद, इसलिए वहां पर सामान अधिकरण ज्ञान तो हो रहा है लेकिन बाधित हो रहा है। नहीं नहीं वो बाधित है, वो बाधित है कि नहीं, अबाधित नहीं है। और कहीं कहीं संशय होता है भाई सर्प यह सर्प है कि नहीं है, वहां पर संशय हो रहा है नहीं, लेकिन घट घट मिट्टी है यहाँ पर बाधित है नहीं, संशय है नहीं। देखो ये अबाधित कह दिया और क्या कह दिया, असंदिग्ध। इसी प्रकार कुंडल सुवर्ण है, बाधित है ज्ञान, जिसको जिसको सुवर्ण कह रहे हैं उसी को कुंडल कहते हैं, हो गया कि नहीं। तथा च इसलिए क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। कार्याणाम कारणात्मत्वात्, कार्य होता है कारणात्मक होता है, बराबर है, कार्य कारण से भिन्न नहीं। और कारणस्य कारण कौन होता है, सतरूप, कारण तो सतरूप रहेगा ना हमेशा, है कि नहीं। हाँ सर्वत्र अनुगमात, इले पूरे प्रपंच में ले लो, जहां पर सत की बुद्धि हो रही है वो तो कारण है कि नहीं। हाँ घट सत्य है, मिट्टी सत्य है, सर्वत्र सर्प सर्वत्र ले लो, जहां पर सत्यत्व बुद्धि होती है के रूप से वही कारण है बोल रहे हो। वो क्या है, वो कारण है, वो कारण है। और कार्य कार्य मिथ्या नहीं, कार्य को मिथ्या नहीं मानते हो, मिथ्या मान लेगा तो काम बन जाएगा। हाँ समझ में है ना, ये जहां पर है के रूप से वो कारण है वो बोल रहा है, लेकिन जो घटपटा दी है वो मिथ्या नहीं है, वो मिथ्या नहीं है, वो भी सत्य है, ये बोलता है पूर्व पक्षी है, ठीक है भी। सर्वत्र अनुगमान सद रूपेण अभेद, कारण कौन है, सत रूपे है कि नहीं, इसलिए अभेद हो गया सत रूप से कारण रूप से। हाँ इसलिए क्या हुआ, कार्यस्य जगतो भेद, और जगत कार्य रूप से क्या है, भिन्न है, जगत जो है कार्य रूप से क्या होगा, भिन्न भी होगा, और व्यवहार भी अलग अलग हो रहा है कि नहीं। उनका कहना अरे भाई तंतु से पट बनता है, तंतु रखा है धागा रखा है, हाँ पहनना है तो क्या करेंगे, तंतु को पहनेंगे, कपड़ा बुनना पड़ेगा, कार्य भी अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए भिन्न मानना चाहिए। व्यवहार अलग अलग हो रहा है कि नहीं, बात ऐसी होती है उनकी, उसी में फंस जाते हैं वो लोग। कार्य जब भिन्न भिन्न हो रहा है इसलिए कार्य को कारण से क्या मानना चाहिए, भिन्न मानना चाहिए। व्यवहार अलग अलग हो रहा है कि नहीं, तंतु से जो व्यवहार होता है वही व्यवहार पट से होता है क्या, और पट से जो व्यवहार होता है केवल तंतु से व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार दोनों में अलग अलग हो रहा है। अरे सुवर्ण का ढला रखे उसको पहनना है क्या, गले में लटका कर जाएगा, पहनना है तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कुंडल। व्यवहार अलग अलग होने से उसको सत्य मानते हैं, किसको, कार्य और कारण को, और दोनों सत्य है और भिन्न भी है, और सर्वथा भिन्न भी नहीं कह सकते। हाँ यदि कुंडल बनाना है तो सुवर्ण से बनाना पड़ता है, आया ऐसी बगैर। इसलिए कार्य से जगतो भेद, कार्य रूपेण, कार्य रूप से कौन हो गया, गो घटा देना, देखो घट पटा दी वो भी कार्य है, अरे जो गो जो शरीर है मतलब जिसमें चैतन्य बुद्धि होते वो भी कार्य बोल रहा है, देखो एक अच्छी बात बोल रहा है। गो कौन हो गया, गौ का शरीर लेना यहाँ पर, गो से गौ का शरीर, भले ही उसमें चैतन्य की बुद्धि हो रही है लेकिन वो चेतन नहीं है, इसमें अगर हम लोगों का शरीर है, हम लोगों का शरीर ये भी कार्य हो गया, बाह्य घटपट आदि भी कार्य है, अरे शरीर ये भी कार्य है, हो गया। इसलिए कार्य रूप से भेद है और कारण रूप से क्या हुआ, अभेद हो गया। यथा आहु जैसे लोग बोलते हैं, लोग पूर्व पक्ष कार्य रूपेण नानात्व, मभेद कारणात्मना, हेमात्मना यथा भेद, कुंडलाद्यात्मना भिदा, पढ़ी कार्यरूपेण नानात्वं मभेद कारणात्मना हेमात्मना यथा भेद,
भिदा, भिदा कहो चाहे भेद कहो, पर्याय है। भिदा स्त्रीलिंग में होता है और भेद पुली में होता है, ठीक है। भिद धातु होता है, भिद भिद भिदिर विदार, भिदा का अर्थ भेद। बोलते हैं कार्य रूपेण नानात्म, हे देखो नानात्व का अर्थ भेद। कार्य रूप से जब देखेंगे तो भेद होता है कारण से, और कारणात्मना अभेद, कारण रूप से अभेद हो जाता है। जैसे जथा हेमात्मना अभेद कुंडलाद्यात्मना भिदा, है जैसे कुंडल होना कुंडल आभूषण, आभूषण रूप से हम देखेंगे तो क्या होगा भेद है। कुंडल आदि आभूषण सुवर्ण से क्या है भिन्न है, समझ में ना। कहने का मतलब जो व्यवहार को देखते हैं ना, ये कहना उनकी दृष्टि जो व्यवहार में जाती है, आभूषण से व्यवहार हो रहा है, पहन रहा है वो जो भी है बेच रहा है, तो उसमें जब व्यवहार में दृष्टि जाती है तो क्या हो गया भेद हो गया, इनका कहना है, समझ में ना, ठीक है। और उसकी दृष्टि जब अंदर चली जाती है, कहाँ पर सुवर्ण में, कारण में उनकी दृष्टि चली जाती है तो उनको सुवर्ण भी दिखाई, सुवर्ण भी दिखाई देता है, सुवर्ण भी दिखाई देता है, नहीं ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई गया दुकान में, गया आभूषण खरीदने के लिए, बोले कुंडल दे दो तो कुंडल दे दिया, वो क्यों नहीं माला दे दो, माला दे दिया, तो बेचने वाले को भेद दिखाई दे रहे नहीं दिख रहे, कुंडल बोलने से कुंडल उठाकर दे रहा है, माला बोलने से माला दे रहा है, हाँ तो दृष्टि किधर जा रही है, कार्य में जा रही है, व्यवहार व्यवहार को लेकर के, इसलिए व्यवहार हो गया कि नहीं, समझ में है ना। हाँ तो व्यवहार में भेद हो रहा है, कार्य में जब उनकी दृष्टि जाती है तो किसमें व्यवहार में भेद हो गया, हो गया नहीं। अच्छा जब उनकी दृष्टि जब सुवर्ण में जाती है तो एक ही भाव में बेचता है, चाहे ये भी हो एक, हाँ 100 ग्राम चाहे वो भी 100 ग्राम, दोनों की कीमत क्या होगी, बनाने के जो बनाने का परिश्रम वो बात अलग चीज है, लेकिन जब सोने का रेट होता है तो दोनों का समान हो जाता है। तो उनकी दृष्टि उस समय कहाँ पर जाती है, कारण में जाती है, गिरवी रखते गिरवी रखते, आपको कैसे पता है गिरवी रखते हैं रखते हैं लोग गांव में नहीं। चलो भैया गिरवी, तो गिरवी रखेगा तो एक ही कारण रूप से अभेद हो गया, और जो पहनेगा ये सब करेगा तो भेद हो गया, हो गया ना। यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया, तो सिद्धांत क्या हुआ पूर्व पक्षी का, कार्य रूप से भेद, कारण से कार्य क्या है भेद, कार्य रूप से कुंडल आदि भिन्न है सुवर्ण से, और कारण रूप से अभिन्न है, तो ये इसी का नाम हो गया भेदा भेद, हो गया। चलो इति, इति करने से क्या हुआ, यहाँ तक पूर्व पक्ष हो गया, ठीक है नारायण। अब सिद्धांत चलो, अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं, है ना, वेदांति है, सिद्धांति हो गया वेदांति। कह पुनरयम भेदो नाम, हाँ ये देखो तुम जो भेद भेद बोलते हो, भाई भेद क्या चीज है बताओ, ठीक है। अयम भेदो नाम कह पुनः, हाँ ये कुंडल आदि का भेद है किससे, सुवर्ण से, कि ये भेद क्या है ये तो बताओ, कहने से तो सिद्ध नहीं होगा ना, भेद का स्वरूप क्या है। लोग लो, बहुत लोग इसी में पड़े हैं, हाँ अभेद कैसे होगा, अभी भेद होना चाहिए बोलते ना सब लोग, कि नहीं, कार्य कारण से भिन्न मानते हैं सब, बहुत लोग भिन्न ही मानते हैं, मिट्टी से तो जल नहीं ले सकते, हाँ समझ में ना। हाँ लेकिन भेद बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन भेद का स्वरूप क्या है वो विचार करोगे तो बुद्धि काम नहीं करती, समझ में ना, ऐसा होता है। इसी प्रकार ये जगत जो है, हाँ जगत किसने बनाया, परमात्मा ने बनाया, इसलिए जगत परमात्मा से क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए ना, अभिन्न कैसे होगा,
दोनों एक हो जाएंगे कैसे? कुछ लोग जीव को भी कार्य मानते हैं परमात्मा का, हम तो भी परमात्मा के संतान है, अमृत के संतान बोलते कि नहीं, अमृतस्य पुत्र। तो अमृत हो गया कौन? कारण हो गया। तो आप अमृत हो क्या? बोलो, आप यदि अमृत है तो फिर अमृत को प्राप्त करने के लिए क्यों लगे हो? आप यदि अमृत हो अमृत को प्राप्त करने के लिए क्यों लगे? भले ही अमृत का पुत्र हो लेकिन है तो नहीं तुम अमृत, अमृत तुम्हारा प्राप्तव्य है। हाँ, तो प्राप्तव्य से भिन्न नहीं होगा प्राप्त करने वाला। पुत्र हो गया प्रापक और अमृत हो गया प्राप्य, दोनों एक हो जाएंगे कि नहीं? जैसे चींटी जाती है कहाँ जाती है? गुड़ की ओर जाती है। हाँ, जो चींटी वो स्वयं गुड़ है क्या? हाँ, गुड़ यदि होता तो चींटी क्यों जाती गुड़ के पास? नहीं, हाँ हो गया ना, इसलिए वो हो गया भोज्य कौन? गुड़, ठीक है। और भोक्ता कौन हो गया? चींटी हो गई। नहीं, दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों एक प्राप्य प्रापक में एक नहीं हो सकता, कार्य कारण में एक नहीं हो सकता, भेद होना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। इसलिए भेद क्या है पूछते हैं, देखो, यह स अवेदन एकत्र भवेद। जो भेद अभेद के साथ क्या हो रहा है, एक जगह पर रहता है, जहां पर अभेद है वहां पर भेद भी होता है, ऐसा तुम कहते हैं ना पूर्व पक्ष, है ना? जहां पर अभेद रहता है वहां पर भेद भी होता ही, कह रहे हो ना? जैसे सुवर्ण और कुंडल में अभेद भी है भेद भी है। ये तुम्हारा भेद क्या है, है ना? देखो लिखे एकत्र अभेदन सह यह भवेद, है ना? अभेद के साथ एक जगह पर जो रहता है ऐसा भेद क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या उत्तर देखो, परस्पर अभाव इति चेत, ये कौन बोलेगा भाई? पूर्व पक्षी कहेगा अभी परस्पर अभाव मतलब अन्योन्य अभाव। तार्किक लोग अभाव कितने प्रकार मानते हैं? चार प्रकार, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत अभाव। अन्योन्य भाव जैसे घट पट नहीं है और पट घट नहीं है, इसको कहते अन्योन्य भाव, परस्पर अभाव, ठीक है। यदि परस्पर अभाव को यदि भेद कहेंगे, सुनते हुए, परस्पर अभाव को यदि भेद कहेंगे, परस्पर अभाव इति चेत किम अयम कार्य कारणयो हो कटक हाटकयोर अस्ति न वा, ये बताओ पूर्व पक्ष। कार्य कारणयो हो कटक हाटकयो, ये देखो कटक हाटक, और हाँ उड़ीसा में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? कटक हाटक है, कटक तो जगह का नाम है कटक, हाँ। और हाटक क्या हो गया? बाजार को हाट बोलते हैं वहां पर, बाजार, हाँ है कि नहीं? मार्केट, मार्केट को वहां पर हाट बोलते हैं, ठीक है। वो लोग भी संशय हो जाएगा क्या है कटक हाटक, तो कटक किसको बोलते हैं? वही जो बाजूबंद बोल रहे थे, हाटक सुवर्ण को बोलते हैं। तो कार्य हो गया कटक नहीं, और कारण हो गया हाटक सुवर्ण कि नहीं, मतलब आभूषण और सुवर्ण, ये अर्थ आ गया। आभूषण और सुवर्ण में ठीक है बे, ये बताओ किम अयम, किम अयम कार्य कारणाय हो कटक हाटकयोर अस्ति न वा, ये बताओ, है ना? आभूषण और सुवर्ण में भेद है कि नहीं ये बताओ, आभूषण और सुवर्ण में भेद है कि नहीं ये बताओ। इसमें बहुत बुद्धि एकाग्र चाहिए भी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। न च एकत्वम एव अस्ति, न च भेद, है ना? हाँ देखो, बोलते हैं कि नचेत, हाँ यदि भेद नहीं कहोगे तो, देखो क्या बोलते हैं, क्या पूछा ये? आभूषण और सुवर्ण में भेद है कि नहीं? यदि नहीं है कहोगे नचेत, यदि नहीं है कहेंगे
तो दोनों एक हो गए ना, फिर आभूषण और सुवर्ण क्या हो गए, फिर एक हो गए, एकत्वम एव अस्ति, दोनों एक हो गए। हाँ, दोनों जब एक हो गए तो भेद रहेगा नहीं रहेगा ना, न च भेद, भेद नहीं रहेगा। आगे समय में क्या नहीं रहेगा, दोनों एक हो गए तो भेद कहाँ से रहेगा, घटाकाश और महाकाश एक हो गए तो भेद कैसे होगा, घटाकाश और महाकाश जब एक हो गए तो भेद होगा नहीं होगा, दोनों जहां पर एक हो जाते हैं तो भेद नहीं होता है, न च भेद, न च भेद, समझ में ना। जहां पर एक नहीं है तो वहां पर तो भेद रहेगा ही रहेगा, और जहां पर एक हो गए तो, अरे गंगा जी जाकर समुद्र में मिल गई, अब क्या होगा, भेद है ही नहीं, दोनों एक हो गए तो समझ में ना। अस्ति चेत, तो यदि भेद है कहां पर, आभूषण, आभूषण और सुवर्ण, आभूषण और सुवर्ण मतलब कार्य कारण में यदि भेद है, यदि मानेंगे तो भेद है तो अभेद कैसे रहेगा, अभी अस्ति चेत भेद, यदि भेद है तो हैं, तो बोलते हैं न अभेद एव, ठीक है, भेद एव न अभेद, यदि भेद है तो भेद ही रहेगा ना, अभेद कैसे रहेगा, भेद है तो भेद ही रहेगा, अभेद नहीं होगा ठीक है, ये बोलते हैं, बोलते नहीं 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 भाई हो सकता है, भाव अभावयोर अविरोध, ठीक है ना, कोई विरोध नहीं है ना, भाव और अभाव में कोई विरोध नहीं, मतलब भाव मतलब क्या होगा, अभेद है ना, अभाव होगा भेद, हाँ भाव अभाव, भेद और अभेद में कोई है ना, कोई विरोध नहीं है, कौन कहेगा, पूर्व पक्षी कहे भावाभावयोर अविरोध, भाव और अभाव, भाव अभाव मतलब क्या हो गया, भेदाभेद है ना, हाँ भाव मतलब अभेद, अभाव मतलब भेद, इसलिए भाव अभावयोर अविरोध, हाँ कोई विरोध नहीं है, बोले न च ऐसी बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्यों, सह अवस्थान असमवाद, अरे वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, दोनों विरुद्ध धर्म यदि हो जाए एक साथ नहीं रह सकते, सिद्धांति बोलता है सह अवस्थान असमवाद, ठीक है ना, एक साथ में रहना, सह अवस्था मतलब क्या होगा, एक साथ में रहना, एक ही समय में संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है भाई, ऐसा होता है, संभव है वा, यदि संभव हो जाए, जबरदस्ती संभव बोलोगे तो संभव मतलब क्या हो गया, भाई भेद अभेद को एक साथ रहना संभव है, कोई विरोध नहीं है, स्वावस्थान संभव है, ठीक है भाई, तो ये बताओ, हम पूछते हैं भी देख लो, संभवेवा कटक वर्धमान कयोरपि तत्वेन अभेद अभेद प्रसंग, देखो बोलते हैं कटक, कटक तो बाजू बंद हो गया, हाथ में जो पहनते भी कटक, कटक हो गया, और वर्धमान का क्या होता है, वर्धमान का किसको बोलते हैं, ढक्कन को ही बोलते हैं, अरे भाई पात्र के वो जो ढक्कन रखते हैं ना, उसको भी क्या बोलते हैं, वर्धमान का बोलते हैं, ठीक है ना, ढक्कन, ढक्कन वर्धमान किसको बोलते हैं राजू, अरे प्याला देखा है हिंदी में, प्याला, हाँ प्याला भी हो जाएगा, वो भी ढक्कन की तरह होता है, क्या, अरे चाय नहीं पीते हैं प्याला, हाँ उसको भी, वो भी ढक्कन की तरह, और क्या, प्याला भी ढक्कन की तरह होता है, जब प्याला कहो तो ढक्कन बोलो ठीक है ना, हम लोग तो भाई कटोरे में पीते हैं, महात्मा के कटोरे में पीते हैं, कटोरे में होता है ढक्कन, प्याला में कौन पिए, नहीं प्याला में पियेंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, नहीं
और मुंबई वाले लोग पीते हैं, उनको जल्दीबाजी होते है ना हम लोग तो आराम से पीने वाले, ठीक है ना, भगवान का नाम लेते लेते पीते ना हम लोग चलो कटक वर्धमान कयो हो, है ना, तो दो आभूषण हो गए, ये क्या हो गए, दो आभूषण हो गए ना, तो दो आभूषण में मतलब दो कार्य है ये, एक कटक हो गया, दूसरा क्या हो गया, वर्धमान का प्याला हो गया, है ना। दोनों में तत्व न अवैध प्रसंग, और तत्व से अवैध हो जाएगा ना, फिर दोनों एक हो जाएंगे, फिर ये प्रसंग होने लगे। कौन बोल रहा है ये, सिद्धांत ही बोल रहे हैं। कैसे देख लो, भेदस्य अभेद अविरोधा, क्योंकि देखो दोनों एक साथ रह सकते हैं, बोल देना आपने, भेद और अभेद में कोई एक साथ रह सकते हैं, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तब तो फिर दोनों दोनों का स्वरूप एक हो जाएगा। किस किस का, कटकों का और वर्धमानकों का एक हो जाएगा। क्यों, हेतु क्या हो गया, भेदस्य अभेद अविरोधा, क्योंकि भेद का अभेद के साथ कोई विरोध नहीं है, अविरोध कह रहे हो, समझ में ना, हाँ ऐसी ये कह रहे हैं। और अपिच मतलब और भी, अपिच कटकस्य हाटकात अवेदे, ये देखो और क्या बोलते हैं, कटक यदि हाटक से क्या हो गया, अभिन्न है, कटक हो गया आभूषण ले लो, हाँ वो उसके चक्कर ना ले लो, कटक मतलब आभूषण ले लो, ठीक है, और हाटक मतलब सुवर्ण ले लो, हो गया। कटक जो आभूषण है ना, हाटक सुवर्ण से क्या हो गया, अभिन्न हो गया, है ना, अवेदे यदि अभिन्न हो जाए, सप्तमी एक वचन अभिन्न होने पर, जथा हाटकात्मना कटक मुकुट कुंडलादयो न भिद्यन्ते, हाँ हाँ, एवं कटकात्मनापि न भिद्येरन, ये देखो भैया, जैसे कटक मुकुट कुंडल आदि सब ले लो, ठीक है भाई, ये सब सारे के सारे आभूषण है, ये हाटकात्मना मतलब सुवर्ण रूप से भिन्न है क्या, ये नहीं, न विद्यन्ते, कटक हाटक से भिन्न नहीं, मुकुट भी हाटक से भिन्न नहीं, और कुंडल भी हाटक से भिन्न नहीं है, बराबर है। एवं कटकात्मनापि न विद्यरान, कटक रूप से भी भिन्न नहीं होगा, ये बोलता सिद्धांती, कारण रूप से तो अभिन्न है कि नहीं, और कटकादि रूप से भी भिन्न नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, ये देखो कटकस्य हाटकात अभेदात, ये देखो है, क्योंकि कटक जो है ना, कटक किससे हो गया, हाटक से अभिन्न है कि नहीं, अभिन्न होने से कटकात्मना भी न भिद्यरन, ये देखो कार्य रूप से ही भिन्न नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा है ना नियम है, देखो क्योंकि जो वस्तु जिससे अभिन्न है, ये नियम है, आप लोग देख सकते हैं, स्वाभिन्ना भिन्नस्य, हाँ एक नियम है, क्या लिखेंगे, स्वाभिन्ना भिन्नस्य स्वाभिन्नत्वम, ये नियम है भैया आपके पुस्तक में दिया होगा, स्वाभिन्ना भिन्नस्य स्वाभिन्नत्वम दिया ना, स्वाभिन्ना भिन्नस्य स्वाभिन्ना भिन्नस्य स्वाभिन्नत्वम, जैसे देखो कटक हो गया, कटक हाँ, कटक किससे अभिन्न है, हाटक से अभिन्न है, अच्छा उसी हाटक से अभिन्न मुकुट है कि नहीं, मुकुट है, ये कटक और मुकुट एक हो जाएंगे फिर, ओके, स्व हो गया कटक, वो किससे अभिन्न है, हाटक से, उसी हाटक से अभिन्न कौन है, मुकुट भी है, ये क्या हो गया, स्व अभिन्नत्म, कटक और मुकुट क्या हो जाएंगे फिर, अभिन्न हो जाएंगे, समझ में ना, हाँ, इसलिए
कार्य रूप से भी क्या हो जाएगा, अभिन्न हो जाएगा, फिर कटक और मुकुट दोनों एक हो जाएंगे फिर है। तब दोनों एक हो जाएंगे तो फिर एक अलग अलग क्यों बनाते हो फिर, ना अलग अलग नाम हो रहा है, अलग अलग रूप हो रहा है, बराबर ना। तथा च ऐसा होने से हाटकम एव वस्तु सन न कटकादयो भेदस्य अप्रतिभासमानान है। देखो इसलिए जो हाटकम एव वस्तु सन, हाटक कौन हो गया, सुवर्ण है, सुवर्ण ही वस्तु है, समझ में ना, वास्तविक वस्तु तो कौन है, हाँ। न कटकादयो भेदस्य अप्रतिभासमानान, कटकादि जो है ना भेद का वहां पर भान नहीं होना चाहिए, बराबर है, ये सिद्धांती बोलता है, लग गया। और अथा यदि कहा जाए, देखो थोड़ा सा पूर्व पक्ष, अथा कहने जो पूर्व पक्ष कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर निशान लगाओ, अथा मतलब पूर्व पक्ष है, ठीक है, अथा पूर्व पक्ष शंका के अर्थ में हाटकत्वेन क्या कह रहे हैं, हाँ अथा प्रसंगा अलग प्रसंग आ गया, मतलब पूर्व पक्षी का प्रसंग, अलग प्रसंग के लिए भी अथा शब्द का प्रयोग करते हैं, पहले सिद्धांति का प्रसंग था और पूर्व पक्षी का प्रसंग, इसलिए प्रसंगांतर है ना, प्रसंगांतर के लिए अथ शब्द का प्रयोग। अथ हाटकत्वेन एव अवेद न कटकत्वेन तेना तो भेद एव कुंडलादे है। देखो भैया, भाई अभेद तो हाटकत्व न होता है, मतलब सुवर्ण रूप से क्या है, अभिन्न है, अभेद है, समझ में आएगा नहीं, क्या है, आभूषण जो होता है हाटकत्व न एव अभेद, मतलब सुवर्ण रूप से ही अभेद है, आभूषण में जो है ना, आभूषण में जो अभेद होता है ना, किस रूप से, सुवर्ण रूप से, आभूषण में जो अभेद होता है सुवर्ण रूप से ही अभेद होता है, समझ में आ गया नहीं। न कटकत्व न, देखो कटक में क्या धर्म रहेगा, कटकत्व रहेगा कि नहीं, और सुवर्ण में क्या रहेगा, सुवर्णत्व रहेगा, सुनते हैं ना, इसलिए एक वस्तु में दो धर्म, ये कहने का अभिप्राय हुआ, बाकी नहीं हुआ है ना। घट में कितना धर्म है, घटत्व भी है और मृतिकात्व, ये सांख्य का सिद्धांत हो गया, समझ में आया, एक वस्तु में दो धर्म रहेगा, एक धर्म नहीं रहेगा बोलता है, लेकिन कौन नहीं मानते हैं इसे, तार्किक लोग ऐसे नहीं मानेंगे, सुनते हो ना, घट मृतिका से अत्यंत भिन्न है, हाँ ऐसा मानता है, अभेद नहीं मानता बिल्कुल, इसलिए सांख्य सिद्धांत में और तर्क सिद्धांत में अंतर हो गया, सुनते हैं ना, हाँ, क्योंकि वो लोग तो सांख्य वाले जो है ना सत्कार्यवादी, क्या है, हाँ, और तार्किक लोग असत्कार्यवादी, घट मृतिका में नहीं था, उत्पत्ति पूर्वम कार्यम असत, यह होगा असत्कार्यवाद, उत्पत्ति पूर्वम कार्यम असत, उत्पत्ति से पहले कार्य नहीं था, घट बनने से पहले मिट्टी में घट नहीं था, मिट्टी मिट्टी थी, हो गया ना, ठीक है, और बनने के बाद क्या हुआ, घट हुआ, इसलिए घट में, हाँ घट तो कहाँ रहेगा, हाँ वो घट कहाँ पर है, घट मृतिका में है, ऐसा बोलते हैं, घट, हाँ मिट्टी में घट का अभाव था, और घट बन गया तो कहाँ रहेगा, घट मिट्टी का, मिट्टी में रहेगा, इसलिए मृतिका में मृतिकात्व है और घट में घटत्व है, समझ में ना, इसलिए दोनों अत्यंत भिन्न भिन्न है, ये तार्क का सिद्धांत है। और सांख्य आदि का सिद्धांत क्या है, नहीं नहीं घट मिट्टी में पहले से था, इसलिए कुम्हार बनाने वाले को मिट्टी में क्या दिखता है, हाँ जैसे पत्थर में मूर्ति पहले से रहती है, इसीलिए बनाने वाले शिल्पीकार को, शिल्पकार को है ना, पत्थर में क्या दिखते हैं, मूर्ति दिखती है, समझ में, ऐसा होता है, जैसे घी की पहचान, ये दूध की पहचान करने वाले को उनको घी में, घी दिखता है उसको, किस में, दूध में घी दिखता है,
मक्खन दिखता है, इसमें इतना मक्खन घी निकलेगा, समझ में ना। ये घट में कितना धर्म रहेगा, क्योंकि घट तो भी रहेगा, मृतिका से भिन्न तो है ही नहीं, इसलिए घट में मृतिका तो भी रहेगा, घटत तो भी है और मृतिका तो, आभूषण में दो रहेगा, कटक हो गया आभूषण, उसमें कटकत्व भी रहेगा और सुवर्णत्व भी रहेगा, आ गया। इसलिए कटकत्व न भेद है और हाटकत्व न सुवर्णत्व न अभेद है, ये बोलता है पूर्व पक्षी, ठीक है। तो बोले के दिया हाटकत्व न एव अभेद है, ये देखो हाटक सुवर्ण में हाटकत्व है कि नहीं, और जो आभूषण हो गया वो तो हाटक सुवर्ण को बोलते हैं, तो हाटकत्व न सुवर्णत्व न, सुवर्णत्व न अभेद, हाँ न कटकत्व न, कटकत्व न अभेद नहीं होता है, कट मतलब आभूषण कि नहीं, न कटकत्व न तेना तो भेद एवं कुंडल आदि, इसलिए कुंडल आदि जो आभूषण है उसमें क्या रहेगा भेद, मतलब कुंडलत्व न है कि नहीं, और भी जो आभूषण बोल दिया मुकुटत्व न कुंडलत्व न कटकत्व न, ये सब भेद ही रहेगा, लगे कि नहीं लगे। यदि हाटकाद अभिन्न कटक है, देखो भाई यदि हाटक सुवर्ण से कटक जो आभूषण यदि भिन्न हो गया, क्या हो गया भिन्न यदि हो गया, कथम अयम कुंडलादिशु न अनुवर्तते, समझ में ना, क्या लिखा यदि हाटकात अभिन्न, ठीक तो है हाटक से यदि अभिन्न हो गया, भिन्न बोला क्या मैंने, अच्छा ठीक है, यदि हाटकात अभिन्न, यदि हाटक सुवर्ण से यदि कटक अभिन्न हो गया, अभिन्न हो गया तो ठीक है ना, हाँ कथम अयम कुंडलादिशु न अवर्तन्ते, कुंडलादि में अनुवर्तन क्यों नहीं होगा, अभिन्न हो गया तो हाँ, लेकिन अनुवर्तन तो होता ही है, अनुवर्तन तो होता है ना, किसका, हाँ क्योंकि देखो ये है ना, हाँ कुंडल आदि में क्या है, ये सुवर्ण है, ये सुवर्ण है, होता कि नहीं होता है, हाँ ऐसा है। न अनुवर्तते चेत, हाँ इसको इतने में रखते हैं आज, कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।